हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है, सेशन 2022-23 का। तो सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म। वो प्रोसेस जिसमें पानी कॉन्टिन्यूअसली अपनी फॉर्म को चेंज करता है एंड सर्कुलेट्स बिटवीन, और सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर। अक्सर वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर के पास से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। दिन में दो बार ओशन के पानी में एक रिदम से राइज एंड फॉल होता है और इन्हें हम कहते हैं टाइड्स। मॉसेज एंड लाइकन्स आर फाउंड इन। मॉसेज एंड लाइकन्स मिलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन में। थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन। थॉर्नी बुशेज मिलती हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कॉमनली जो एनिमल देखने को मिलता है वो है मंकी। वन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनीफेरस फॉरेस्ट इज। कॉनीफेरस फॉरेस्ट की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है पाइन ट्रीज। स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। स्टेपीज मिलते हैं सेंट्रल एशिया, ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है, एंड ईस्टर्न यूरोप में। नेक्स्ट इज द राज राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय। राज राजेश्वर टेम्पल बनाया था राज राज चोल फर्स्ट ने। अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। अजमेर किस सूफी सेंट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड सेक्शन। हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थंजावुर। सिटी ऑफ थंजावुर तक पानी की सप्लाई कैसे होती थी? एक तो पास में ही कावेरी रिवर थी और फिर बहुत सारे वेल्स और टैंक्स थे। सो वाटर इज सप्लाइड थ्रू कावेरी रिवर एंड मैनी वेल्स एंड टैंक्स वर ऑल्सो यूज्ड टू सप्लाई वाटर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। जैसे मद्रास के ब्लैक टाउन्स थे तो उन ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? उनमें रहते थे मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस। नेक्स्ट इज वॉट इज शिखर। शिखर किसको कहते थे? टेम्पल में जो टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन होता था उसको शिखर कहा जाता था। सो शिखर इज द सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ टेम्पल। ओके, नेक्स्ट इज वॉट इज पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा क्या था? तो मार्बल में या सैंडस्टोन में उनको कार्व करके उनके अंदर हार्ड स्टोन, कलरफुल हार्ड स्टोन को रखा जाता था, प्लेस किया जाता था, जिससे कि एक सुंदर सा पैटर्न बनता था, उसको कहते थे पेट्रा ड्यूरा। ये आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में बताया गया है। सो अ टेक्निक वेयर कलर्ड हार्ड स्टोन वर प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल पैटर्न इज कॉल्ड पेट्रा ड्यूरा। ब्यूटिफुल पैटर्न। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चहरबाग गार्डन। मुगल चहरबाग गार्डन के क्या एलिमेंट्स थे? इसमें चार गार्डन्स होते थे जो कि रेक्टेंगल की शेप में होते थे, एनक्लोज होते थे वॉल्स से, और बीच में चैनल क्रिएट किया जाता था ताकि वो चारों एक तरीके से ये क्वार्टर के जैसे बन जाए, वन क्वार्टर चारों गार्डन्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ फोर गार्डन्स, जैसा कि ताजमहल में भी है,
gardens, and these gardens were placed within rectangular enclosure. Enclosures and divided into four quarters by artificial channels. Okay, next. Now next is third section. How do you think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? एक स्टीरियोटाइप है हमारे माइंड में कि कुछ जॉब्स हैं जो वुमेन कर सकती है और कुछ को वो नहीं कर सकती, उनके लिए नहीं है. तो ये स्टीरियोटाइप कैसे अफेक्ट करता है वुमेन की इक्वालिटी को? तो इससे क्या होता है, कुछ ही जॉब्स उनके लिए अच्छी मानी जाती है, जो उनकी प्रेफरेंसेज हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता. सो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है. सो ड्यू टू दिस स्टीरियोटाइप वुमेन आर फोर्स्ड बाय द सोसाइटी टू परफॉर्म सर्टेन roles only. So this is unequal treatment because women is not the choice of women is not considered and considered and she is not free to do what she wants. Next is, in what ways does the media play an important role in a democracy? Media कैसे एक important role play करता है democracy में? So लोगों को, masses को issues और problems के बारे में बताता है जो country में prevailing है. Then गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उनके प्रोग्राम्स को प्रोपेगेट करता है. कोई अगर अनपॉपुलर प्रोग्राम है, पॉलिसीज़ हैं, उनको क्रिटिसाइज करता है, हेल्प करता है मासेस को उनके ओपिनियंस को फॉर्म करने में. सो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज नंबर वन, दे मेक द मासेस, द पीपल, द सिटीजन्स नो अबाउट सर्टेन इश्यूज और प्रॉब्लम्स. देन propagate policies and programs of government and also criticize unpopular programs and policies of government, help in forming opinion of masses. And 5 mark का है. एक और point लिख देते हैं, they also report various crimes and mishappenings, accidents, etc. Okay. Now next is, how important were, this is craft persons, फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स. टेम्पल्स को बनाने में, उनको मेंटेन करने में क्राफ्ट पर्सन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. सो डिफरेंट जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके वर्क को हम बताएंगे. सबसे पहले तो मेसन बिल्डिंग बनाता था, डोर को बनाने के लिए कोई और वुडन वर्क है, कारपेंटर वो काम करता था, आयरन का काम करना है तो ब्लैक स्मिथ करेगा, और डेकोरेशन का काम है तो डिफरेंट आर्टिसंस होंगे. देन स्कल्पटर्स जो थे वो जो आइडल्स थे, मूर्तियाँ थे, उनको बनाया करते थे. सो नंबर वन, फर्स्टली मेसन बिल्डिंग बनाता था, देन डोर्स, सॉरी कारपेंटर बनाता था डोर विंडोज ऑफ टेम्पल एंड अदर जो वुडन वर्क होगा, एंड नेक्स्ट ब्लैकस्मिथ्स टेम्पल में जो लोहे का काम था, आयरन वर्क करते थे या आयरन आइटम्स जो कुछ बनाने हो. उसके बाद आर्टिसंस जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स थे
उनको बनाए करते थे, एंड देन स्कल्प्टर्स, स्टैचूज एंड आइडल्स. ओके चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 7 सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.